Realme ने रिसेंटली अपनी P सीरीज इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें दो स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, P1 और P1 Pro 5G स्मार्टफोन, जिसमें P1 Pro इतना कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया था, लेकिन अगर मैं P1 5G की बात करूं तो भाई उसने कमाल मचा दिया था। और अभी फाइनली दोस्तों लीक्स आ रहे हैं P2 सीरीज के, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं P2 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। अभी P1 5G के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट ऐसा कुछ नहीं आया जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बता सकूं, तो P2 Pro के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा कि किस प्राइसिंग के अंदर ये आने वाला है और क्या कुछ स्पेक्स आपको यहां पर देखने मिले वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Realme P2 Pro की अगर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले हम इसके स्पेक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 3 या 4 स्पेक्स हैं जो बताए गए हैं स्मार्टफोन से रिलेटेड। उसके बाद मैं आपको लॉन्चिंग डेट और प्राइस यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले एंड डिजाइन की यहां पर बात करता हूं, तो डिस्प्ले एंड डिजाइन बैक का डिजाइन यहां पर अबकी बार बताया जा रहा है चेंज होने वाला है। जो सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल था वो अबकी बार शायद ना मिले, कोई नया डिजाइन यहां पर Realme इंट्रोड्यूस करा सकता है और ग्लास बैक यहां पर रहने वाला है। लेकिन अगर मैं फ्रंट साइड की बात करता हूं, तो यहां पर अब की बार फ्लैट डिस्प्ले देखने मिलेगी, कर्व डिस्प्ले नहीं मिलेगी, क्योंकि P1 Pro था ना, वहां पर कर्व डिस्प्ले देखने मिली थी। जो डिस्प्ले होने वाली है एमोलेड पैनल के साथ देखने मिल जाएगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा और 2500 निट्स की यहां पर पीक ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है। 96% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में देखने जाएगा, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई बेजल्स होंगे काफी हद तक यहां पर कम रहने वाले हैं। सेकंड अभी मैं बात करता हूं स्मार्टफोन के कैमरा की बात को, तो अगेन ड्यूल रियर कैमरा ही यहां पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा होगा दोस्तों वो 50 मेगापिक्सल का, जहां पर सोनी IMX890 सेंसर देखने मिलेगा। सेकेंडरी लेंस होगा वो हमें देखने को मिल जाएगा 12 मेगापिक्सल का, जहां पर सोनी IMX355 सेंसर देखने को मिल जाएगा। सेल्फी होगी 16 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाएगी, दोनों ही तरफ आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने मिलेगा। तो देखो मैं P1 Pro की बात को तो मुझे पता था उसका इतना अच्छा कैमरा नहीं था, लेकिन P2 Pro के जो कैमरा बताया गया ना, और यहां पर जैसा कैमरा बताया गया जिन सेंसर के साथ मिलने वाला है, अगर रियली में उन सेंसर के साथ देखने मिलता है और वैसा ही कैमरा देखने मिलता है, तो नो डाउट यार Realme P2 Pro का कैमरा होगा काफी अच्छा होने वाला है। और चूंकि ये स्मार्टफोन अंडर 20,000 होगा, तो इस प्राइसिंग के हिसाब से हम कह सकते हैं ये स्मार्टफोन काफी तगड़ी टक्कर देगा दूसरे स्मार्टफोन को कैमराज के मामले में भी। और जिस प्रकार से दोस्तों ये कैमराज के मामले में टक्कर देगा, सेम एज इट इज परफॉर्मेंस के मामले में भी टक्कर दे सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 8200 चिपसेट के साथ देखने मिल सकता है। अगर मैं इस चिपसेट की बात करूं, तो इजिली 25-26 हजार वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, और कुछ कुछ ब्रांड्स तो इसको 30 हजार में भी देते हैं। और अगर वो चिपसेट हमें देखने को मिल जाता है 20 हजार के अंदर, तो नो डाउट यार काफी कमाल हो जाएगा और जो परफॉर्मेंस होगी काफी तगड़ी देखने को मिलेगी। स्टोरेज टाइप की बात करता हूं, तो UFS 2.2 की ही स्टोरेज टाइप देखने मिलेगी, और इस प्राइसिंग के हिसाब से नॉर्मल चीज है ये। बाकी अगर आप मैं गेमिंग के हिसाब से बात करूं, तो PUBG क्वालिटी जैसे गेम्स इजीली इस स्मार्टफोन में आप हाई ग्राफिक्स पर खेल सकोगे। लास्ट एंड फाइनली अगर मैं बात करता हूं बैटरी की, तो 5000mAh की बैटरी देखने मिलेगी एंड 68W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने मिलेगा। तो ये सारे स्पेक्स थे जो कि स्मार्टफोन के निकल कर आए थे। जी दोस्तों, अभी तक जो ये सारे स्पेक्स थे लीक्स एंड रूमर्स चल रहे थे जो कि मैंने आपको बताया, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बात करता हूं स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट एंड प्राइस के बारे में। देखो लॉन्चिंग डेट की अगर मैं बात करूं, तो रिसेंटली ये स्मार्टफोन अभी लॉन्च नहीं होने वाला है। बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन इस साल के एंड तक हमें चाइना के अंदर और फिर ग्लोबली मार्केट में मिल सकता है। और प्राइसिंग की बात करूं, तो जैसे मैं शुरुआत से ही बता रहा था, 20 से 22 हजार की स्टार्टिंग प्राइस में ये स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। जी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे भाई P1 Pro तो हमें 20 हजार में मिला था, नहीं, इसका प्राइस थोड़ा है यहां पर ज्यादा हो सकता है। जिस प्रकार से हमें Realme 12 सीरीज के प्राइस बढ़ते हुए देख लेते ना, सेम ऐसा ही हमें यहाँ पर भी देखने मिलेगा। तो ये थे दोस्तों कुछ लीक्स एंड रूमर्स Realme P2 Pro 5 स्मार्टफोन के। कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में।